हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। तो आज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज का हमारा ये 5th लेक्चर है। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने सीरीज के नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है। इस सीरीज में हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। उससे पहले हम देख लेते हैं आंसर उस क्वेश्चन का जो हमने पिछले जो हमारा इस सीरीज का वीडियो था ई गवर्नेंस पे, उसमें देखा था। सो वहाँ का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिसएडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस का कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है ये आपको बताना था। तो डिजिटल डिवाइड, कॉस्टली, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल एंड लेस टाइम इन कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसेस। तो ये थे आपके ऑप्शंस। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट तीन तो आपके ये चैलेंजेस हैं ई गवर्नेंस के, और जो फोर्थ है लेस टाइम इन कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसेस, ये एक एडवांटेज होता है हमारा ई गवर्नेंस का। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी कि डी ओनली। तो चलिए चलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये होते क्या हैं और कब इनको अडॉप्ट किया गया था। ये डेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर अडॉप्टेड इन 2000। सो 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया था इन यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन, और ये सितंबर 2000 में साइन कर लिए गए थे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं तो 8 गोल्स इसमें हैं, और 191 कंट्रीज़ ने कमिट किया था कि वो इन गोल्स को अचीव करेंगे 2015 तक। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, और क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। आपको याद रखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 से 2015 के टाइम फ्रेम के बीच में इनको अचीव करना था। 15 ईयर्स के लिए ये बनाए गए थे। तो इसके अलावा 191 कंट्रीज़ के अलावा 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जिन्होंने कमिट किया था कि हम इन गोल्स को अचीव करेंगे बाई 2015, और इन 8 गोल्स में हमारे 18 टारगेट्स थे। तो ये सारा डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप याद रखिएगा कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 में साइन किए गए थे, 15 ईयर्स के लिए बनाए गए थे, 191 इसमें कंट्रीज थी जिन्होंने कमिट किया था अचीव करने के लिए, 8 गोल्स हैं और टोटल 18 हमारे टारगेट्स हैं। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो ये टोटल 8 हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं जो साइन किए गए थे कंट्रीज़ के बीच में। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो 8 के 8 ये गोल्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं और इनको समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट हमारा गोल था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। तो हमारा फर्स्ट गोल इसमें बनाया गया था कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है और हंगर है हमें उसे ख़त्म करना है। तो देखिए बहुत सारे जगह अभी भी वर्ल्ड में ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी हम इसे कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये गोल बनाया गया था कि हमें पूरी पॉवर्टी, इस एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करना है और हंगर को भी ख़त्म करना है। तो इसके लिए बनाया गया था कि हमें प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवानी है लोगों को, और इसके साथ उन्हें डिसेंट वर्क प्रोवाइड करवाना है ताकि पॉवर्टी ख़त्म हो सके और फिर हम यहाँ पर हंगर को भी इरेडिकेट कर सकें। इसके साथ सेकंड गोल था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। तो ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दुनिया में जिनको स्कूल एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, स्टिल बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन भी अचीव नहीं कर पाते। तो ये बताया गया यहाँ पर कि हमें यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, सभी को बराबर एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवानी है। थर्ड है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। तो उस टाइम पर यह देखा गया रिपोर्ट्स में कि जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और मेन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर ये गोल बनाया गया टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन, ताकि वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करवाएं चाहे वो किसी भी एरिया में हो। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है कि जब चाइल्ड बर्थ होता है, चाहे बच्चे छोटे होते हैं, छोटी एज में होते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ उनकी मौत हो जाती है, तो जो मृत्यु दर है उसे कम करना भी एक लक्ष्य यहाँ पर रखा गया। ये बताया गया कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है, जैसे कि बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, कंडीशंस अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको प्रॉपर मिल नहीं पाती। तो इसलिए ये गोल बनाया गया कि हमें रिड्यूस करना है चाइल्ड मॉर्टेलिटी को। और इसके रिलेटेड एक और गोल बनाया गया इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ। तो अगर मेटरनल हेल्थ को हम इम्प्रूव करेंगे तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी के रेट में भी कमी यहाँ पर आ जाएगी। तो मेटरनल डेथ्स भी बहुत ज़्यादा होती थी, वुमेन्स को प्रॉपर
जो उनके हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं वो मिल नहीं पाते थे, इसलिए ये गोल बनाया गया कि मेटरनल हेल्थ को हम इम्प्रूव करेंगे वर्ल्ड लेवल पे और इसके साथ साथ चाइल्ड मॉर्टेलिटी को भी रिड्यूस करेंगे, कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज़ेस। तो कुछ डेडली डिसीज़ेस को भी यहाँ पर उनसे भी कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पर गोल बनाया गया कि HIV एड्स मलेरिया और कुछ ऐसे डिसीज़ हैं जिनसे रिलेटेड हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, उनको जागरूक करवाएंगे इन रोगों के बारे में, और जो लोग सफ़र कर रहे हैं इन रोगों से उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, प्रॉपर एड्स उनको यहां पर दिए जाएंगे ताकि हम कॉम्बैट कर सकें HIV एड्स मलेरिया और इस काइंड के अदर डिसीजेस को। इसके साथ हमें इंश्योर करना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब है जो भी एनवायरमेंट से रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं हमें उन्हें सस्टेनेबल वे में यूज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उन्हें बचा सकें, और जो भी ऐसे काम ज़्यादा हो रहे हैं जिनसे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर गलत असर पड़ रहा है और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, उन्हें हमें यहाँ पर बचाना है ताकि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकें। इसके साथ डेवलप करनी है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। तो अगर हमें वर्ल्ड लेवल पर इन गोल्स को अचीव करना है तो ये अकेली एक कंट्री नहीं कर सकती, एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, सभी की यहाँ पर पार्टनरशिप होना ज़रूरी है ताकि हम ग्लोबल लेवल के ऊपर इन गोल्स को अचीव कर सकें। इसके लिए बनाया गया 8 गोल जिसमें हमें डेवलप करनी है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये हमारे 8 गोल्स हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। तो आपको बताना है कि कौन कौन से गोल्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का पार्ट यहाँ पर नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से, ये नहीं वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा हमारे इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले इस तरह के और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।